बेटा किरण, आपकी बहन किधर गई है? अभी तो आप दोनों कटे खेल रहे थे, कहाँ गई है किरण? जाओ और बाहर से किरण आपी को बुला कर लाओ अभी। ठीक है मम्मा, मैं अभी बुला कर आती हूँ टीना को। पता नहीं कहाँ चली गई है, चलो मैं ढूंढ कर लाती हूँ टीना को। मम्मा बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं होते, तुम्हें पता तो है हम कितने गरीब हैं। एक टाइम का खाना तो इतनी मुश्किल से खाते हैं, कैसे मैं तुम्हें जूस लेकर दूँ? बहुत ज्यादा महंगा है वो तो। मामा प्लीज आज ले दें, ऐसा नहीं मांगेंगे हम आपसे। ठीक है बच्चों, ले देती हूँ। ये तो बच्चों के स्कूल के लिए मैंने पैसे जमा किए थे, अब इनको मुझे जूस लेके देना पड़ेगा। चलो अब मैं जाती हूँ और इनको बच्चों को जूस लेकर देता हूँ। कबूतर भैया, कबूतर भैया, जूस कितने का बना कर दे रहे हैं? अरे टुटनी, इतना तेरे पास पैसा नहीं है तू मेरा महंगा जूस पी सके। चल बता कितने का जूस दूँ। टुनटुनी, मेरा जूस 50 से शुरू होके 1000 तक जाता है। आओ पैसे हैं तो लो वरना जाओ। भाई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो 100 के 3 गिलास कर दो, एक एक 100 का 300 के 3 गिलास कर दो। चलो मैं पी कर देखूंगी तुम्हारा जूस कैसे है। वैसे भी हर कोई कहता है बिल्कुल बेकार बनाती हो जूस, वो तो मेरे बच्चों ने जिद की आ गई हूँ यहाँ पर। बच्चों जूस लेकर आ गई हूँ, चलो अपनी बहन को भी जाकर बुला के लाओ। कहाँ गई है वो, सारा दिन बाहर खेलने जाती है। मम्मा बेचसा जूस बनाते हैं, मैंने हर कोई कहता था गंदा है गंदा, आज तो मैंने पीकर भी देखा ये तो बिल्कुल बेकार है। मम्मा मैंने नहीं पीना, आप ही पी लें। बेटा आप लोगों ने ही जिद की थी जूस की, क्या आप लोगों ने जूस पीना है? अब सारे जूस रख दिए हैं आप लोग, पी भी नहीं रही। चलो कोई बात नहीं, जाकर आप सो जाओ। ऐसा करती हूँ मैं खुद कोई जूस की दुकान लगा लेती हूँ, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और ये तो जूस भी बहुत गंदा बनाता है। चलो मैं ऐसे करती हूँ, कल से जूस ले लो जूस। अरे टुंटनी, तुमने भी अभी दुकान लगा दी है गांव में, बड़ा ही अच्छा किया है। वो कबूतर भैया तो इतना महंगा महंगा जूस देते हैं, ऊपर से बेकार जूस है उसका और इतने नखरे करता है। अगर ना पीना होता ना मुझे जूस, ये जो कमजोरी हो जाती है ना इसलिए पीती हूँ, वरना तो ना पीऊँ मैं। तुम्हारा जूस तो इतने हॉली जूस, इतने मजे का है, तुम रोज बनाया करो। टुंटनी क्या तुम हमें जूस दे दोगी? हम 3 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं। जी, क्यों नहीं दूंगी, आप फ्री में पी सकते हैं जूस। जब भी आप लोगों को भूख लगे आ जाया करें जूस पीने। अरे कबूतर भैया, तुमने सुना है आजकल टुंटनी जूस बेच रही है और बड़े ही मजे का जूस बनाती है, वो सारे कव्वे वहाँ पे जूस पीने जाते हैं, तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं। टुंटनी की ये मजाल के उसने अपना थैला लगा लिया है, बेड़ा बेकार जूस बनाती होगी अड़ी आई है। उसके पास था ही क्या, मुझसे तो जूस लेने आती थी। 10 रुपए का जूस दे तो 20 रुपए का जूस दे तो बड़ी आई है। तुम तो मेरा जूस पियो, कैसा लगा तुम्हें? कबूतर भैया मजाक ना करो, तुम्हारा जूस तो बिल्कुल बेकार है, तुम जाकर टुंटनी से क्यों नहीं सीख लेते? टुंटनी टुंटनी मुझे माफ कर दो और मुझे जूस बनाना सिखा दो। सारे परिंदे मुझसे जूस भी नहीं लेके लेने आते और मेरी इतनी बेइज्जती करते हैं कि मैं गंदा जूस बनाता हूँ। से चले जाओ, मैं तुम्हें अपना जूस बनाने नहीं सिखाऊंगी। ये 1 कप जूस का पियो और फ्री में, और चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपना जूस सिखाऊंगी बिल्कुल भी नहीं। तुम वही हो ना जो उस दिन मुझे इतनी बेइज्जती करके भेजा था, मेरे बेटों बच्चे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चों को जूस नहीं दिया था। चले जाओ यहाँ से और मैं आपको जूस नहीं दूंगी। इस तरह टुंटनी जूस बेचती है और बहुत अमीर हो जाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है और वो खुश खुश रहने लगती है।